पिछली बार हमने शायद 10वीं भरनी कर लिया था। अब हम कृषिका की बात करेंगे। कृषिका नक्षत्र को वैदिक साहित्य में नर्स के रूप में बताया। ये भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय की नर्स रही हैं। ये भगवान शंकर, कार्तिकेय और ये नर्स आसमान में कैसी आई, इसको हम स्पष्ट करेंगे। कृषिका नक्षत्र से लेकर के आर्द्रा नक्षत्र तक जाते जाते ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। कृषिका नक्षत्र में 6 तारे हैं। हमने लास्ट टाइम बताया था कि इन 6 तारों को गिन करके 37 की संख्या पूरी होती है, जो लड़कियां दक्ष प्रजापति की उनको ब्याही गई थी चंद्रमा को। तो कृतिका में विशेषता क्या है कि कृतिका नक्षत्र वैदिक हिम्स में जैसा बताया गया है, ये भगवान शंकर की एनर्जी को प्रिजर्व करके, उसको पाल पोष कर, नरिश करके पैदा करने में कार्तिकेय के रूप में इन्होंने बड़ी सहायता की थी। ये 6 थी, इसलिए कार्तिकेय के मुंह भी 6 बन गए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थी। कारामास की बात यह है कि कृत्तिका नक्षत्र जहाँ आसमान में उपस्थित है, वहां कृत्तिका नक्षत्र के 6 तारे के ऊपर से ऐसी फ्लेम निकलती हुई दिखाई पड़ती है जो आकाश गंगा की तरफ जाती है। इसको देख करके वैदिक ऋषियों ने ये मेटाफर बनाया कि भगवान शंकर का तेज जब गंगा में गया तो उन्होंने उछाल दिया, वो सहन नहीं कर पाई, उसको उछाल करके जब ऊपर आसमान में फेंक दिया तो कृत्तिकाओं ने संभाला और उन 6 कृत्तिकाओं ने अपने अपने तरीके से उसका पालन पोषण करके उसको एक बालक का रूप प्रदान किया, जो बाद में बड़े होकर सब देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का उन्होंने संहार किया था। ये तारकासुर और कुछ नहीं है, ये बादलों से घिरा हुआ आसमान है, जो बारिश के बादल हैं, काले बादल जो जी डराते हैं और बरस से बिल्कुल नहीं है। उन बादलों को भेद करके इस शंकर के तेज ने, यानी सूर्य ने, बारिश को शुरू कराया। यही कृत्तिका का रहस्य है। इससे कृत्तिका में अग्नि है, अग्नि होने के कारण इसको जान करके आपको ताज्जुब होगा कि कृत्तिका नक्षत्र का जो जंक्शन स्टार है, वो जंक्शन स्टार तकरीबन 2400 गुना ज्यादा चमकदार है। उसके अंदर 2400 गुना ज्यादा रोशनी है जितनी रोशनी हमारे सूरज के अंदर, और इससे तकरीबन 10 गुना बड़ा है। तो ऐसे केस में ऋषियों ने इतनी दूर स्थित कृत्तिका नक्षत्र को अग्नि पुंज के रूप में पहचान लिया हो तो हमें उनकी बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जब ये कार्तिकेय 6 तारे हैं, तो 6 सालों का हर जगह मतलब होता है, जितने किसी नक्षत्र के तारे हैं उतने ही सालों में व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, व्यक्ति के जीवन में अदलाव बदलाव आता है, उतार चढ़ाव आते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उसके चार्ट के डिस्पोजिशन, प्लेनेटरी डिस्पोजिशन पर ये डिपेंड करेगा। तो 6 सालों में कृतिका नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों के जीवन में हर 6 साल का साइकिल चलता है। आफ्टर एवरी 6 ईयर दे एक्सपीरियंस सर्टेन चेंजेस, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव इन देयर लाइफ्स। तो ये तो 6 सालों का रहस्य हो गया। और गर्मी है आकाश में, उसमें इतनी रोशनी है और इतनी आग है, तो भीतरी आग होने की वजह से तो कृतिका नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों के अंदर क्या खास बात होगी। ये 10 गुना तो सूर्य से बड़ा है और 2400 गुना ज्यादा ल्यूमिनस है, ज्यादा चमकदार है, ज्यादा रोशन है सूर्य से। तो ऐसी स्थिति में इस ऐसे लोगों के अंदर अलग से ही एक चमक दमक आभा औरा इनके चेहरे पर होती है और ये भीड़ में अलग पहचान लिए जाते हैं। ये पर्सनैलिटी की वजह से, चाहे इनके बोलने की कला की वजह से, चाहे इनके किसी और वजह से, ये पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं और अलग दिखते हैं। कद की वजह से, शरीर के आकार प्रकार की वजह से, वेशभूषा की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, इनका बड़ा प्रोमिनेंट गुण है, इसको देखना, इसको ध्यान में रखना चाहिए।
दूसरे सर्जरी कृत्तिका का मतलब है काटने वाला, द कटर, वो चाकू भी हो सकता है, छुरी भी हो सकती है, कसाई का चाकू भी हो सकता है, बहादुर की तलवार भी हो सकती है, भाला भी हो सकता है, रसोई घर का चाकू भी हो सकता है और सर्जिकल ब्लेड भी हो सकता है। तो ये जो चाकू था, इस चाकू से हमें अंदाजा लगाना है कि ऐसे व्यक्ति आमतौर पर सर्जरी के फील्ड में, काटने पीटने के फील्ड में, दवाओं के फील्ड में, ट्रीटमेंट के फील्ड में, क्रैश चलाने के काम में, क्योंकि बच्चा पाला था कृतिका ने, इसलिए बच्चों को पाल करके उनको ठीक से नर्चरिंग करना और उनको ठीक से डे केयर सेंटर खोल देना, बच्चों को पढ़ाना, ये दूसरे, ये इतने डिटरमाइंड थे कृतिका कि इन्होंने जो काम आकाश गंगा यानी गंगा नहीं कर सकी, उस अपहिल टास्क को संभाल करके और सक्सेसफुली उसको की पूरा किया। तो ये जो फर्म डिटर्मिनेशन है, फर्म डिटर्मिनेशन विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इन द नेटिव बोर्न विद कृतिका नक्षत्र, ये हमें ध्यान रखना है। कृतिका नक्षत्र में अग्नि है और अग्नि इम्पार्शियल होती है। अग्नि ये नहीं देखती कौन मेरा अपना है और कौन पराया है, किसको जलाऊं और किसको ना जलाऊं, यदि आग आ जाती है तो सबको जला देती है। इसलिए कृतिका नक्षत्र वालों का यह स्वभाव होता है कि वो निष्पक्ष रूप से चाहे न्याय करें या अन्याय करें, अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, सबके साथ एक जैसे, वो एक ही आंख से देखते हैं सबको, एक ही नजर से देखते हैं। दूसरा गुण है कृतिका में, भाई अग्नि होने के कारण एरोगेंस आ जाती है, ऐसे लोग आमतौर पर जल्दी तुनक मिजाजी दिखा देते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं क्योंकि अग्नि में तो चमक होती है, भाई ऑरा होता है। अग्नि में लैक ऑफ टीम स्पिरिट होती है, अग्नि सब देवताओं के लिए भविष्य को आहुति को लेके तो जाते हैं, खुद नहीं खाते, लेकिन जो आहुति इनके नाम से डाली जाती है पहले अंत में, उसी आहुति पर इनका अपना हक होता है, बाकी सारा जो है कुरियर बॉय की तरह जाकर के देवताओं को रेलिवेंट एड्रेस पर डिलीवर कर देते हैं। इसी वजह से ये साहब जो होंगे इनके अंदर लैक ऑफ टीम स्पिरिट है, ये टीम में काम नहीं कर सकते। टीम में काम करने का मतलब ये है कि सुपरलेटिव पोजीशन में तो काम कर सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर होकर के, सबऑर्डिनेट होकर के काम नहीं कर सकते ये लोग। दूसरे इसलिए अनफिट हो जाते हैं बेचारे पार्टनरशिप के लिए, इनके साथ कोई पार्टनरशिप बराबर की पार्टनरशिप करे तो उसमें ये फेल हो जाएंगे या इनकी पार्टनरशिप टूट जाएगी। दूसरे अग्नि है तो कहाँ झलकेगी, पेट के अंदर झलकेगी भाई, और जुबान में झलकेगी, तो जुबान में तलखी होना, आंखों में गुस्सा होना, सुरूर होना और पेट में एसिडिटी होना, ये इनके लक्षण है। रिलेशन विद फायर, इनका अग्नि के साथ कोई ना कोई संबंध बन जाता है। अग्नि के साथ संबंध कैसे बने, चाहे खाना पकाने वाले हो, चाहे रेस्टोरेंट चलाने वाले हो, चाहे रिसोर्ट चलाने वाले हो, चाहे बार बीक्यू चलाते हो या भट्टा चलाते हो या भट्टी चलाते हो या बॉयलर चलाते हो, उनका कहीं ना कहीं से रिलेशन बन जाता है, या इंजीनियर हो जाते हैं, बॉयलर केमिकल से इनका रिलेशन बन जाता है। अग्नि के बारे में ये बात बताई गई कि जो भी शास्त्र क्या कहता है कि जो चीज अशुद्ध हो जाती है अग्नि उसको शुद्ध कर देती है। इसका मतलब कि प्योरिफिकेशन, द एक्ट और कैपेबिलिटी टू प्योरिफाई एवरीथिंग इज इनहेरेंट इन अग्नि, सो इन कृतिका। तो कृतिका में भी वही गुण है, तो कृतिका वाले प्योरीफाई कर देते हैं, इनके कॉन्टेक्ट में जो लोग आते हैं उसको प्योरीफाई करते हैं, किसी चीज को निखार करके, प्योरीफाई करके, रिफाइन करके किसी चीज को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना, यूजेबल फॉर्म में लाना, ये इनका काम हो सकता है, ये कहीं रिफाइनरी से इनका कनेक्शन हो सकता है। दूसरे, ये दोस्तों के दोस्त होते हैं, क्योंकि अच्छे व्यवहार को, बुरे व्यवहार को ये सदा अच्छी तरीके से याद रखते हैं, गुस्सा बहुत होता है इनके अंदर, इसलिए दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन। अब इसीलिए इनके अंदर लेसर फॉरगिवनेस, क्षमा भाव कम होता है, ये दूसरों को माफ नहीं करते, गलती जिसने कर दी तो कर दी फॉर एवर। और इसी तरीके की जो और बातें हो सकती हैं, अब अपने आप अंदाजा लगा लीजिए इसके अंदर मिलेगी। हमने पिछली बार ही बताया था, इससे दृष्टि ऐसा कि सारा संख्या, इनका अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द योग सारा, दैट इज द जंक्शन स्टार, ये तीनों मिलकर के व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। और इन सारों का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है कि मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स यदि ऐसे नक्षत्र में पड़ जाए, एक कैटेगरी के नक्षत्र में पड़ जाए, या पर्टिकुलरली मून या लग्न
इन नक्षत्रों में पड़ जाए तो ये रिजल्ट, ये इफेक्ट आएंगे भाई। अब इसको कृत्तिका के बाद अगला नक्षत्र आता है, कृत्तिका में जो पैदा हुए थे भाई, एक तो याद नहीं आ रहा कौन पैदा हुए थे, छोड़ो उस बात को। अब इसके बाद अगला नक्षत्र है रोहिणी, बड़ा मजेदार नक्षत्र है। और एक करामास की बात यह है कि सारे नक्षत्रों के नाम ऋषियों ने स्त्रीलिंग में रखे, फेमिनिन जेंडर में रखे, यानी इनको लड़की बना के रखा। रोहिणी क्या है कि अपने पति चंद्रमा को बहुत ज्यादा प्यारी है, ये कहा जाता है। इस पौराणिक आख्यान के पीछे क्या रहस्य है उसको समझ लीजिए पहले, फिर इसके ट्रेस बताएंगे। रोहिणी नक्षत्र का जो प्रिंसिपल स्टार है उसका नाम है अल्देबरान। हाँ, और कृत्तिका नक्षत्र, आपको मजेदार की बात बताऊं, कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि के जो बैल बनता है उस बैल के हम्प पर है, यानी उसकी सांस पर है, कंधे पर है यहाँ। और ये जो अल्देबरान है उसकी बैल के एक आंख के पास है, और ये वी का आकार बनाते हैं इस तरीके से। पांच तारे हैं रोहिणी में, वो पांचों तारे इस तरीके से वी का आकार बनाते हैं, जिसमें दो तो एग पर है, दो इस खड़ी लाइन के बीच में है, और एक ये बिल्कुल कॉर्नर जहां है दोनों लाइनें मिल जाती है इस पॉइंट पर। तो ये अल्देबरान त्रिकोण का आकार बनाते हैं, इसलिए जो रोहिणी नक्षत्र है उनके उसका चैरियट का रूप बनता है, बैलगाड़ी का रूप बनता है, गुलाब कार्ट का या किसी कार्ट का रूप बनता है। तो उस अल्देबरान में विशेषता क्या है कि वो अल्देबरान सूर्य से 400 गुना ज्यादा गर्म है और 65 गुना बड़ा है। अब इसमें समस्या कहाँ आती है कि भाई साहब वो क्या कहते हैं, सॉरी 65 गुना नहीं, 44 times, 65 गुना तो अर्धा है, 44 गुना बड़ा है और 400 गुना गर्म है चंद्र सूर्य से। तो ये जो इसकी ब्यूटी है इससे हमें पता लगता है कि रोहिणी नक्षत्र के पास, रोहिणी नक्षत्र की जो पोजीशन है वो इक्लिप्टिक से 2.5 degrees दूर है, और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है और इसका एरिया भी बहुत बड़ा हो जाता है। उसी बड़े एरिया में से चंद्रमा जब 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 कभी रोहिणी नक्षत्र के पास आता है, और इसका दक्षिणी लैटिट्यूड यानी साउथ शर्ट जब कम होता है इससे, लगभग 2.5 के आसपास हो, 2.5 से कम ही होगा, तो रोहिणी के अंदर से गुजरता हुआ नजर आता है, और लंबा एरिया होने की वजह से ऐसा लगता है कि रोहिणी ने उसको लंबे समय तक पकड़ करके हक करके रखा था। और ये इम्प्रेशन इस तरीके से लोगों को देता है कि डीपली इन्वॉल्व है मून इसके, तो बिका हुआ है रोहिणी के सामने और रोहिणी के यहाँ ज्यादा समय बिताता है और अक्सर आता है। अक्सर आने का कारण भी एस्ट्रोनॉमिकल है, ये फ्रीक्वेंटली होता है, ये कारण, ये वजह, क्योंकि जब जब राहु तुला से मिथुन के बीच में रहेगा, उल्टा बोल रहा हूँ, रेट्रोग्रेड होता है, राहु तुला से मिथुन के बीच में रहेगा लगभग 6-7 साल के दौरान, रोहिणी नक्षत्र के अंदर से गुजरेगा चंद्रमा हर महीने, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वुड बी पेनिट्रेटिंग द रोहिणी चैरियट। इसलिए मिथुन राशि, तुला राशि से मिथुन राशि के बीच में जब चंद्रमा जाता है तो बार बार किसी के दरवाजे पे जाना, बार बार किसी के यहाँ लंबे समय तक ठहरना, टिकना, ये बात जो है बन जाती है, ये कहानी बन जाती है कि चंद्रमा रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, औरों के यहाँ इतना नहीं ठहरता, किसी को दूर से हाथ हिला के चला जाता है, किसी को जैसा कंधा मार के चला जाता है, किसी को दूर से आंख का इशारा करके चला जाता है, जैसे लोग पार्लियामेंट में मारते हैं आजकल, उस तरीके की आंख मार के चला जाता है, और कभी भैया उसको जरा सा दूर भर से देख करके चला जाता है। लेकिन रोहिणी ऐसी है कि उसके छासी पर से होकर गुजर के जाता है, इसलिए बड़ा प्यार, बहुत बहुत प्यारी है उसको, ये कहानी बन गई। अब क्या है कि मून का जो डीप इंटीरियर कंजंक्शन इतना हुआ, इंटीरियर कंजंक्शन उसके साथ हुआ और वो भी ओकेजन पर हुआ, तो सेज ने ये इमेजिन कर लिया कि रोहिणी जो नक्षत्र वाइफ है रोहिणी, वो इनकी सबसे ज्यादा प्यारी है, और इसका एरिया लार्जर होने की वजह से बिल्कुल शॉर्टर इंटरवल पर फ्रीक्वेंटली ये रोहिणी शकट के अंदर से गुजर रहा होता है। अब इनके अंदर क्या है कि बाकी नक्षत्रों के साथ ऐसा नहीं करता। अब इस रोहिणी का व्यक्ति के अंदर क्या प्रभाव आएगा, व्यक्ति के अंदर प्रभाव आएगा भाई, एक तो सारे का प्रभाव आएगा, एक उसका सारा संख्या का प्रभाव आएगा, और एक इनकी शेप का प्रभाव आएगा।
तो देखो भाई, रोहिणी ऊपर चढ़ रही है, ये यहां तक बात याद रखी है, क्योंकि आगे तक काम आएगी। तीन चार नक्षत्रों की कहानी आपस में कनेक्टेड है, सक्सेसिव नक्षत्रों की। तो रोहिणी ऊपर चढ़ रही है, ऊपर आसमान में ऐसे चढ़ता हुआ सारा है, और उसके नीचे मृगशिरा है, और मृगशिरा के पीछे आर्द्रा है। तो ये जो रूपक बनता है, जो पर्सनिफिकेशन आसमान पर बनता है, इसने एक नई कहानी को जन्म दिया, जो आगे मृगशिरा और आर्द्रा के प्रसंग में बताएंगे हम आपको। तो रोहिणी ऊपर चढ़ती है, इसलिए माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग, एडवेंचरस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, ड्राइविंग, कार रेसिंग, वॉयजेस, किसी आर्म्ड फोर्सेज में रहना, नेविगेशन, और रिया, इस तरीके की बहुत सारी इनकी चीजें, इनके अंदर बातें आ जाती हैं। और न्यू क्रिएशन, क्योंकि प्रोग्रेसिव माइंडेड है, सदा एम्बिशन, एम्बिशन को, अपने को, गोल को पाना चाहती है, इसी वजह से रोहिणी के अंदर ये विशेषताएं आ जाती है। कुछ अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर का भी इनके ऊपर टच मिल जाता है, क्योंकि रोहिणी भाग रही थी, वो चढ़ नहीं रही थी ऊपर, भाग रही थी हिरण से बच करके, मृगशिरा से बच करके, मृगशिरा उसका पीछा कर रहा था ईव चीजिंग की तरह, इसलिए मृगशिरा से बच करके वो आर्द्रा भाग, रोहिणी भाग रही थी। तो रोहिणी के अंदर कुछ इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी होती है, रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के अंदर हिरण इनसिक्योरिटी फीलिंग रहती है। इसके बाद भाई अब क्या है कि वो अपने ही बूते पर ऊपर निकल जाती है, और हिरण उसका बेचारा कुछ, मृगशिरा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता पाया, इसलिए वो सेल्फ मेड होते हैं, और वो अपना रास्ता, अपनी सफलता का रास्ता अपने ही प्रयत्नों से, अपनी कोशिशों से बारंबार बनाते हैं। अब क्या है कि पिताजी के घर को छोड़ करके भागी थी लड़की रोहिणी, ब्रह्मा जी के घर को छोड़ के भागी थी, बच के भागी थी, इसीलिए ऐसे लोग आमतौर पर अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूर जाकर के बस जाते हैं, यकीन नहीं आता हो, और जिस स्थान को एक बार छोड़ देते हैं वहां दोबारा नहीं जाते। कृष्ण ने गोकुल में, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल गए, गोकुल छोड़ा तो फिर नहीं गए, मथुरा गए तो मथुरा छोड़ी तो फिर मथुरा नहीं गए, और द्वारका छोड़ी तो दुनिया से ही चले गए, रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। रोहिणी नक्षत्र के ये ट्रेट इस तरीके से व्यक्ति के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। दूसरा क्या है कि ये इनके साथ कुछ न कुछ डिफरेंसेस, लोगों के साथ इनकी नीतियों, इनके तौर तरीकों से लोगों का डिफरेंस रहता है, और इसीलिए इनके अंदर, इनके परिवार में लगातार बढ़ती हुई एक्यूइंग वरीज, बढ़ती हुई वरीज रहती है, रोहिणी नक्षत्र की विशेषताएं हुई। सवाल लास्ट में आप पूछ सकते हैं, यदि आप ये अलाउ करेंगे आपके होस्ट, आप मुझसे अनंत सवाल पूछ सकते हैं, जो भी कोई डाउट है वो नोट करते जाइए। अब आइए भैया मृगशिरा पर। ये मृगशिरा बड़ा खतरनाक नक्षत्र है, दिखाई पड़ता है हिरण के सींग की तरह, और मृगशिरा नक्षत्र में भैया तीन सारे हैं, वो तीन सारे इसके बिल्कुल हृदय पेश पर से आर पार गुजर रहे हैं, बिल्कुल एक सीध में है, और उसी सीध वाली स्ट्रेट लाइन पर एक एंड पर लुब्धक तारा है, व्याध तारा है, जिसे अंग्रेजी में सीरियस कहते हैं, और वो इस दुनिया का, इस आसमान का, नाइन्थ स्काई का वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट जो स्टार्स है, वो दूर से ही चमकता है, और जब लोगों को, बच्चों को सिखाया जाता है आसमान को देखना, आसमान में किस तरीके से विटनेस करेंगे, तो सबसे पहले उसको व्याध और सप्तऋषि दिखाए जाते हैं कि व्याध को पहचान लो, सप्तऋषि को पहचान लो, और ऑटोमेटिकली मृगशिरा आर्द्रा तक बच्चा अपने आप आ जाता है चल चल करके। वो मृगशिरा रोहिणी के पीछे भागती नजर आती है आसमान में, इस तरीके से उनकी सीक्वेंस है, और उसके जो सारे हैं वो हिरण के सींग नजर आते हैं, उसकी बॉडी के आर पार जो तीन सारे हैं सीध में, वो श्रीकांत है, जो व्याध यानी शिकारी ने, लुब्धक ने, सीरियस ने चलाया हुआ बाण है, चलाया हुआ जो उसके आर पार निकल गया है। वो आर पार उसने बाण क्यों मारा, वजह सुनिए। उसके ठीक पीछे आर्द्रा है, आर्द्रा में एक ही सारा है, एक ही ब्राइटेस्ट सारा है, और वो 400 गुना चमकीला सूर्य से और 65 गुना बड़ा है आकार में, इसलिए आर्द्रा नक्षत्र को यदि किसी वजह से कोई उठा करके आज के सन के पास रख दे, उस सन की लोकेशन पर रख दे, तो सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह ये घूम रहे हैं, शनि पनी, बृहस्पति बुध मंगल,
ये सब उसके अंदर समा जाएंगे। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव क्या हुआ, सर्वव्यापी सर्वग्रासी, वो सबको ग्रस लेता है, वो सबको अपने अंदर समा लेता है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। आर्द्रा नक्षत्र क्योंकि रुद्र है, भगवान शंकर का रूप है, उसके अधिष्ठाता देव भगवान शंकर हैं, वो नहीं रुक पाते, किसी के रोके नहीं रुकते। तो ऐसी स्थिति में शंकर भगवान ने जब देखा कि ये मृग मृग और कोई नहीं है, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये ब्रह्मा है, और ब्रह्मा ने हिरण का रूप बना करके सामाजिक बदनामी से बचने के लिए इस ब्यूटीफुल रोहिणी का पीछा करना शुरू किया, ईव की, जिनकी मनसा से, इच्छा से, मनीषा से। अब जब ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने ये बात देखी तो उन्हें गुस्सा आया। ऐसे ब्राह्मण यही कहता है कि अक्षम प्रजापति अक्षम करोति, यह प्रजापति अकृष्ट कर रहा है, इसलिए इसको दंड देना चाहिए। और वो भगवान अपने आप दंड देते हैं, भैया ना आके पारितोषिक देते हैं, वो तो इशारा कर देते हैं। उन्होंने भगवान शंकर ने आर्द्रा नक्षत्र के अधिष्ठाता देव ने इशारा कर दिया व्याध को, शिकारी को, और शिकारी ने इशारा पासे तुरंत तीर चलाया और वो तीर मृग के यानी मृगशिरा के पेट के आर पार निकल गया। वही तीन ब्राइटेस्ट सारे आसमान में दिखाई पड़ते हैं, एक सीध में, उसके ठीक आगे रोहिणी। तो इस तरीके से मेटाफर और रूपक बनाया गया भाई, जिसकी वजह से चीजें आई। तो अब स्थिति बनी क्या, मृगशिरा में चंचलता है, क्योंकि मृगशिरा चंचल है, मृग है, उसका मन स्थिर नहीं रहता, उसके अंदर भावनाएं, सेंटिमेंट्स और जो टेंडरनेस है वो ज्यादा होती है। कोई भी आदमी दो मीठे बोल बोल करके और एक 10 रुपए की चॉकलेट देकर के इनका दिल जीत सकता है, इनको उल्लू बना सकता है, इनको अपने प्रेम के जाल में फंसा सकता है। ये मृगशिरा की कमजोरी है, क्योंकि खुद ब्रह्मा जी हिरण बन करके रोहिणी के पीछे कामातुर होकर के भागते हुए वर्णित किए गए हैं। इसलिए कामातुर रहना, ऑपोजिट सेक्स के, अपने पार्टनर के, अपने कंपेनियन के बिना न रह पाना, ये इनकी मृगशिरा नक्षत्र वालों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इनको कंट्रोल कौन कर सकता है, आर्द्रा नक्षत्र। यदि ये किसी आर्द्रा के घर में पैदा हो गए, इसके बाप का या माँ का नक्षत्र आर्द्रा हुआ, तो खाज खड़ी कर देगा मृगशिरा की, ठोक के एक तरफ खड़ा कर देगा, सब प्यार मोहब्बत सिखाने लगा देगा, डस्टबिन में डलवा देगा। इसीलिए इनको कंट्रोल कर सकता है आर्द्रा। मृगशिरा में चंचलता आ गई, पेश आ गई, घसी आ गई, भावनाओं की भी गति है। इनका मन अनंत गति से, अनंत किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है, और कहाँ कहाँ ये फिक्शन में चल जाते हैं, क्या क्या स्टोरी बना सकते हैं, क्या क्या कहानियां बना सकते हैं, और किस तरीके से आपको कहानी बना करके उल्लू बना सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मृगशिरा नक्षत्र ये सबसे बड़ी कमजोरी आई। इसीलिए जब प्रजापति ने, यानी ब्रह्मा शिव जी ने जब इनको इनको दंड दे दिया, तो इसका मतलब है कि पनिशमेंट भी, कन्विक्शन भी इनके किस्मत में कहीं ना कहीं लिखा होता है। इनको इनके ऊपर स्कूल में फाइन लगता है, बड़े होकर के कोई दंड मिलता है, कोई इनके खिलाफ कंप्लेंट कर लेता है, इनको कोर्ट में कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, कभी कभी सजा हो जाती है और बंद होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इस तरीके की स्थिति वही मृगशिराएं बनती है। तो ये क्या है कि ये औरों से अलग दिखाई पड़ते हैं, और प्रॉब्लम कहाँ है कि जो इनके मन में होता है वो इनके चेहरे पर नहीं होता, और जो चेहरे पर होता है वो मन में नहीं होता। इसलिए इसमें भोले दिखते हैं हिरण की तरह, इतनी इम्प्रेसिव आंखें, इनका चेहरा है, व्यक्तित्व होता है कि सामने वाला उल्लू बन जाता है इनके चक्कर में। इनके मन की छाप आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कब दिनों डिसऑनेस्ट है और कब ऑनेस्ट है ये पता ही लगेगा। इसलिए ये डबल फेसेड पर्सनैलिटी है इनकी, ये दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के प्रोमिनेंट ट्रेट्स को कैसे बनाएगी, सेल्फ इनवाइटेड स्ट्रगल्स, दे देमसेल्फ इनवाइट द स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ, इन देयर लाइव्स। दूसरे, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना, दुनिया में काल्पनिक संसार में जीना, ये मृगशिरा नक्षत्र की कमजोरी होती है। और कुछ अपराधात्मक इनका एटीट्यूड होता है, यानी कुछ ना कुछ इनको ये ऑफेंसिव एटीट्यूड होता है। और ये सब मिला करके इस बच्चे को, मृगशिरा नक्षत्र के बच्चे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। यदि इसको ठीक से ट्रेनिंग ना मिले, यदि इनको ठीक से कंट्रोल ना मिले, तो भाई ये बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इनको कंट्रोल करना। अब आइए आर्द्रा पर। हाँ, मृगशिरा का जो नक्षत्र है वो ओराइनस है, ओरायन, ओरायन नाम ही मृगशिरा का है, उसी एरिया में उसी क्लस्टर में ये मृगशिरा नक्षत्र पड़ता है। इसके बाद आइए आर्द्रा। आर्द्रा कौन है भाई? रेन गॉड, बारिश के देवता। सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में आता है उस समय बारिश की हल्की बूंदा बांदी हो जाती है, धरती गीली हो जाती है, धरती में मॉइस्चर आ जाता है, इसलिए इसका नाम रखा आर्द्रा। सूर्य तो आ गया भाई 21 मार्च 21 जून को मान लिया, लेकिन वेद एक बड़ी करामासी बात बताता है, खास तौर से तैतरीय ब्राह्मण में। आर्द्रया सह रुद्र प्रसमान मेति, आर्द्रा के साथ एक सारा उग्र है, छोटा सारा है, उसका नाम वैदिक ऋषियों ने रखा रुद्रश्री और इनका नाम रखा रुद्र। तो आर्द्रा के अधिष्ठाता देवता है, आर्द्रा को रौद्र सारा कहते हैं, रुद्र का सारा कहते हैं, और इनके साथ जो सारा है कंसोर्ट इनकी वो है पार्वती जी रुद्रश्री। तो आर्द्रया सह रुद्र प्रथमान मेति, तो उस रुद्रश्री के साथ ये रुद्र पहले आगे आगे चल करके आ रहे होते हैं, ये वर्णन किया। तो वर्णन किया तो इसका मतलब है कि ये वजह क्या है कि आर्द्रा नक्षत्र दुनिया के किसी भी कोने से ध्रुव प्रदेशों को छोड़कर, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव प्रदेश को छोड़ करके, यानी धरती पर जहां जहां बसती है वहां वहां से आर्द्रा नक्षत्र को रात में बड़ी सफाई से, बड़ी आसानी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि भीड़ में अलग दिखने की, अलग छा जाने की, सभा में छा जाने की कुवत इन लोगों के अंदर होती है, इसलिए आर्द्रा दुर्धर्ष होते हैं, इररेसिस्टेबल होते हैं आर्द्रा में। अब जैसा ये विजिबल है, हमने बताया कि 400 गुना तो भैया गर्म है सूर्य से, यानी चमकीला है, ब्राइटनेस है इसके अंदर, और 65 गुना बड़ा है। लेकिन एक करामास की बात है, आर्द्रा नक्षत्र का जो सुपरफिशियल सरफेस का जो टेम्परेचर है बीटलगुज का, इसके इसके जंक्शन स्टार का नाम है बीटलगुज, तो बीटलगुज का जो सरफेस वाला जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, लेकिन अंदर 400 गुना गर्मी, सूरज से 400 गुना गर्मी भरी हुई है, इसीलिए ये चलते फिरते ज्वालामुखी होते हैं। बाहर से बिल्कुल ठंडे, कूल, काम, मनोविनोद वाले, हंसी मजाक करने वाले, बिल्कुल इनोसेंट से दिखाई पड़ते हैं और मीठी मजाक करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर बड़ी जबरदस्त गर्मी होती है, जबरदस्त विद्रोह की भावना होती है, जबरदस्त चैलेंजिंग स्पिरिट होती है, जबरदस्त फाइट बैक करने की टेंडेंसी होती है, और ये मौत से भी आंखें मिला लेते हैं, क्योंकि भगवान रुद्र ही वो है जिन्होंने मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिया था और मृत्यु से बचाया था, इसलिए भगवान विष्णु शिव का नाम है मृत्युंजय। तो आर्द्रा में मृत्युंजय, मृत्यु को बार बार जीतने की स्थिति होती है, ये बार बार नियर फेटल पोजिशन में पहुंचते हैं और बार बार वापस आ जाते हैं, ये गुण इनके अंदर होता है। यकीन नहीं आता हो तो कई सारे लोग हैं आर्द्रा के, एक बड़ी नेता है आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुई, अब तो बेचारी खैर कहीं नहीं है, पर जहां भी कहीं है अलग दिखता है रूप इनका। तो ये जो बीटलगुज है ये कूल है, तो इसलिए बाहर से कूल दिखाई पड़ते हैं। अब ये बातें हमें क्या सजेस्ट करती हैं भाई? आर्द्रा नक्षत्र अनइथिकल एक्टिविटीज को कभी कंडोन नहीं करते, किसी भी गलती को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके की गलत हरकत को वो कभी इग्नोर नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, इल टॉलरेबल होती है उनके लिए गलतियां और अपराध, खराबियां। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ब्रह्मा जी तक के अपराध को क्षमा नहीं किया और उसके ऊपर तीर चलवा दिया, इसलिए कभी किसी को माफ नहीं करते, ये बिल्कुल अंधे जस्टिस होते हैं, ये नहीं देखते कौन अपना है कौन पराया है, यदि गलत है तो गलत और सही है तो सही, सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना इनकी खूबी होती है। दूसरी बात क्या आती है कि ये डिटरमाइंड होते हैं, शंकर भगवान तो डिटरमाइंड है, जब तक चाहे पार्वती जी के साथ गुफ्तगू करने लगे और जब उनका मन करे तो उठ के कह दे कि अच्छा अब हमारा समाधि का समय हो गया है, लो कर लो बात, चले जाते हैं, उठ करके कोई कुछ कर ही नहीं सकता।
कोई जाकर के उनसे सवाल नहीं पूछ रहा, ब्रह्मा विष्णु की हैसियत नहीं कि जाकर उनसे सवाल पूछ रहे, महाराज को समाधि से जगा दो, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई इनके साथ डील करना, इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खराबी क्या होती है कि दूसरों को दंड देने के चक्कर में, दूसरों को गलतियों के सुधारने के चक्कर में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाए रखते हैं, इसलिए इनको अपने आप को ठंडा रखना चाहिए अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो ये हंटर को कमांड दे देते हैं, इसलिए खुद काम ना करके दूसरों को गाइड कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और अनएथिकल काम को कभी स्वीकार नहीं करते, माफ नहीं करते, हिडन एंगर होता है, ये बात आएगा। दूसरे रुद्र जो है भोले भंडारी है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी बात से ही प्रसन्न हो जाते हैं, दो मीठे बोल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए दे आर एवर बिहोल्डन, वो सदैव कृतज्ञता का भाव अपने अंदर रखते हैं, जिसने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया उसको कभी नहीं भूलते। एक साथ शंकर जी क्या है कि महादेव भी है, मृत्युंजय भी है, नटराज भी है, और भैया बड़े बड़े शास्त्रों के प्रवर्तक भी हैं, तो एक साथ कई काम कर सकते हैं, तो मल्टी फेसेट टैलेंट इन लोगों के अंदर पाई जा सकती है, ये एक ही समय में कई तरीके के डिफरेंट नेचर के काम भी कर सकते हैं। ऑनेस्ट होते हैं, पार्ट ऑफ क्राउड कभी नहीं होते, क्योंकि अकेला सारा है, अकेला सारा है, उनको भीड़ का हिस्सा बनने की कोई शौक नहीं होता। साइलेंट हार्ड वर्कर होते हैं, विष्णु शंकर जी कभी जाके बताते नहीं कि मैंने ये किया और वो किया, ये विष्णु जी तो अपना गाना गाते रहते हैं कि मैंने मत्स्य अवतार में ऐसा किया था, कूर्मा अवतार में ये किया था, राम अवतार में ये किया, कृष्ण अवतार में ये किया, विष्णु जी शंकर जी कभी नहीं कहते, वो अपने आप अपना गाना नहीं गाते, वो सबकी प्रशंसा ही करते हैं, और बल्कि सबको नमस्कार करते हैं, राम हो कृष्ण हो ब्रह्मा हो विष्णु हो सबको ही नमस्कार कर देते हैं, इसलिए दिखने में बड़े विनम्र होते हैं भाई, साइलेंट हार्ड वर्कर होते हैं। लेकिन इनका डिस्पोजिशन जो आउटर डिस्पोजिशन है वो ह्यूमरस होता है, ये इंट्यूटिव होता है, यानी इंट्यूशन की थोड़ी सी टच इनके अंदर होता है, और मल्टीटास्क एक टाइम में कर सकते हैं, और वाइड रेंज ऑफ जनरल नॉलेज ये इनके अंदर होता है, और दूसरी खास बात की शार्प मेमोरी, ये आर्द्र नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के गुण है, और इनको कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। आर्द्र नक्षत्र ठीक ठाक से वेल प्लेस है, जन्म के समय पीड़ित नहीं है, किसी तरीके से टॉर्मेंटेड नहीं है, तो डेफिनेटली ये सब गुण कमोबेश मोर और लेस उस व्यक्ति के अंदर झलकेंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। अब यकीन ना आता हो तो भाई इनको ये परवाह नहीं होती कि हम किस पोजीशन में हैं, हम किस खानदान में किस कुल में पैदा हुए हैं, इनको अपना काम करना है। भीमराव अंबेडकर आर्द्र नक्षत्र में पैदा हुए थे, आशा पारिक फिल्म एक्ट्रेस आर्द्र नक्षत्र में पैदा हुई थी, और अभी वर्तमान में कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी जी वो इसी में आर्द्र नक्षत्र की लेडी है। अब यहां तक भैया ये रूपक बन गया, तो अब ये शंकर जी का रूपक कैसे बनाया इसको समझिए, और वर्षा से कैसे जुड़ा अब इसको ध्यान से समझिए। जो रेनी वाटर है, जो रेनी स्काई है, रेनी स्काई ही भगवान शंकर है। इनफैक्ट रुद्र इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द रेनी स्काई। उस रेनी स्काई का रंग नीला होता है, काला सा होता है, उसमें क्लाउड्स इस तरीके से चल रहे होते हैं जो सांप होते हैं, ग्लिटरिंग जो लाइटनिंग होती है, जो वज्र बिजली होता है, वो बिजली भैया या तो उनका ट्राइडेंट है त्रिशूल है, या फिर उनकी जो है वो पाशुपत धनुष है, अस्त्र है, शिव धनुष है। सांप भी वहां है। गंगा कहाँ से आती है? अरे बादलों के ऊपर तो पानी रहता ही रहता है भाई। माथे पर चंद्रमा कहाँ से आया? माथे पर चंद्रमा की कल्पना की कि बरसात के मौसम में दिन के समय में भी सूर्य चंद्रमा की तरह इतना ठंडा सा दिखाई पड़ता है, बिना किरणों का, बिना तेज का, इसलिए जो असेजस्वी सूर्य है वही तेजस्वी असेजस्वी सूर्य ही टर्न हो गया है, उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया है मून के रूप में। तो इस तरीके से भैया इनका ये एम्बॉडीमेंट किया गया, और हर वक्त साथ में
इनके साथ जो वो रहता है, गंगा भी आ गई, बादल भी आ गए, सांप भी आ गए, और भैया जो सबसे नीचे बादल है, जो लोअर स्काई में है बादल, वो काले इनके गर्दन में है, इनके गर्दन का नीलापन वहां ज्यादा झलक जाता है। इसीलिए शास्त्र क्या कहता है कि जो व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है, सूर्य की पूजा नहीं करता, जो व्यक्ति विष्णु की पूजा करता है और शिव जी की पूजा नहीं करता, जो खाली सूर्य की पूजा करता है और विष्णु शिव की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा फलीभूत नहीं होती। इसलिए शिव के साथ साथ सूर्य की पूजा, विष्णु जी के साथ साथ सूर्य की पूजा आपस में कनेक्ट की गई, जोड़ी गई, उसके बिना पूरा नहीं होता। तो ये आसमानी बरसाती आसमान का रूपक है आगरा। अब आइए पुनर्वसु। पुनर्वसु का लिटरल मीनिंग ही होता है पुनर्वास। जितना पुनर्वास मंत्रालय है वो पुनर्वसु के पास है। पुनर्वसु नक्षत्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है अदिति। अदिति है देवताओं की माता, देवताओं की माता है भाई। और पुनर्वसु नक्षत्र पुनः माने फिर, वसु माने धन भी होता है, वसु माने वसुधा भी होती है, वसु माने रिकॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, वसु माने रिसेटलमेंट भी होता है, रिन्यूअल भी होता है, और भैया रेस्टोरेशन, पुरानी स्थिति में वापस आ जाना, ये भी सब होता है। तो पुनर्वसु क्या है? आर्द्रा की तरह ये भी भैया ब्राइटेस्ट स्टार्स में से गिना जाता है। मिथुन राशि के, मिथुन राशि के एरिया में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। वैदिक एस्ट्रोनॉमी क्या कहती है कि इसका जो प्रिंसिपल स्टार पोलक्स है वो जुड़वा तारा है। आज की साइंस भी उसको बाइनरी स्टार कहती है, वहां जुड़वा तारा है पोलक्स। पोलक्स और कैस्टर, उन्होंने आजकल नाम रख दिया उसके दो, पोलक्स और कैस्टर। इनफैक्ट पोलक्स इज ब्राइटर देन कैस्टर। तो इसीलिए पुनर्वसु का ये जो सारे बताए गए, पुनर्वसु का सारा कितना है भाई, पुनर्वसु के चार सारे बताए गए। चार सारों में से दो दो जुड़वा सारे हैं। उन जुड़वा सारों में से जो प्रिंसिपल स्टार है पोलक्स, उसका जुड़वा दूसरा है कैस्टर। ये वैष्णव बताते हैं। वेद क्या कहते हैं? पुनर्वसु को सदैव द्विवचन में प्रयोग किया गया। द्विवचन में प्रयोग किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पुनर्वसु नक्षत्र में दो मुख्य तारे वैदिक ऋषि शुरू से मानते आ रहे थे। और आर्द्रा की तरह, जैसे आर्द्रा आजकल एक टर्म चल गई है जो बहुत बड़ा स्टार होता है और जिसके अंदर बहुत गर्मी होती है और वो गर्मी घट रही होती है धीरे धीरे, उसको जायंट स्टार कह देते हैं। और कुछ कैटेगरीज में ऐसी है जो सब जायंट स्टार होते हैं। तो आर्द्रा एक जायंट स्टार है, उसी तरीके से ये पुनर्वसु भी एक जायंट स्टार है। इस जायंट स्टार में क्या होता है भाई कि येलो ऑरेंज शेड इसकी दिखाई पड़ती है। वजह क्या है? क्योंकि पुनर्वसु का, आप ध्यान से, पुनर्वसु का जो दशा लॉर्ड है, कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु आचंभो राजी, ये जीवन सिंह नहीं, जीव क्या कहते हैं, तो बृहस्पति, बृहस्पति के जैसा कलर उसका दिखाई पड़ता है। और ग्रीक्स और रोमन्स के हिसाब से ये पोलक्स वर्ड का मीनिंग ही होता है ट्विंस। अब उनको कोई क्या समझाए, पोलक्स का मतलब ही ट्विन होता है ग्रीक भाषा में। तो इस तरीके की इनिशिएशन के बाद, जब रेनी सीजन का इनिशिएशन हो गया था, उसके बाद ट्रांजिट पीरियड, ड्यूरिंग द ट्रांजिट पीरियड ऑफ द सन इनटू पुनर्वसु। तो उस दौरान हमने लास्ट टाइम बताया था शायद आपको कि धान की फसल एक क्यारी से उठा करके उसकी पौध को दूसरी जगह फाइनली रोपा जाता है, वहीं पर वो लहलाती है, इसलिए उसका नाम पुनर्वसु रखा। अब समस्या क्या आई? अग्नि सोमा पुनर्वसु अस्मय धारयते रहिम, ऋग्वेद कहता है अग्नि सोमा पुनर्वसु। अग्नि कहते हैं गर्म को और सोम कहते हैं ठंडे को, यानी एल्काइन जो होता है और जो एसिडिक होता है, अग्नि और सोम ये दो है। तो अग्नि सोम दोनों पसंद होते हैं पुनर्वसु को, इसलिए इनके जो कारनामे हैं, इनके जो फेसेट्स हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो हर रोज अलग होती है। इसलिए कभी ये ठंडा पसंद करते हैं, कभी ये गर्म पसंद करते हैं, कभी ये बड़े कूल दिखाई पड़ते हैं, कभी बड़े एंग्रीली दिखाई पड़ते हैं,
कभी बेचारे बड़े माइगरली हो जाते हैं, कभी बेचारे बड़े जेनरस हो जाते हैं। इसी वजह से बेचारे जिंदगी में भटकते रहते हैं और इनको अपनी जिंदगी में रीसेटलमेंट करना ही पड़ता है। दोबारा एक नौकरी छोड़ करके दूसरी, एक बीवी छोड़ करके दूसरी बीवी, एक बच्चा छोड़ करके दूसरा बच्चा, एक घर छोड़ करके दूसरा घर, इस तरीके से भैया ये बदल से बदल से बदल से बदल से जब थक जाते हैं मिडल एज में जाकर के, सब जाकर के फाइनली बेचारे सेटलमेंट हो पास आए। और इसी वजह से जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी इन लोगों को कभी कभी ये समस्या आती है कि इनको इतना ज्यादा फेलियर, इतना ज्यादा, इतने ज्यादा लॉसेज हो जाते हैं कि इनको दोबारा रिजुवेनेट होने के लिए, दोबारा से रिवाइव करने के लिए फिर एडीटी की जोर लगाना पड़ता है और फिर ग्रास रूट लेवल से शुरू करके फिर उठ जाते हैं। तो पुनर्वसु के अंदर ताकत और एनर्जी और फोर्स तो भैया बहुत है। इसीलिए क्या कहा इन्होंने कि तेसु अनाहितो अग्नि राशिस, यानी इन इनमें अनाहित अग्नि, यानी पुनर्वसु नक्षत्र में छुपी हुई अग्नि है। और छुपी हुई अग्नि की प्रॉपर्टी से आप क्या पाएंगे भाई, देखो हाँ पुनर्वसु में कौन पैदा हुआ था भाई, अरे भगवान राम पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए थे। भगवान राम पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए थे, उनके लग्न में पुष्य नक्षत्र था। और जो लोग पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र में भगवान राम का जन्म समझते हैं वो वाल्मीकि रामायण देख ले। कुछ लोग कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में था, एस्ट्रोनॉमिकली एस्ट्रोलॉजिकली भी पुष्य नक्षत्र रोहिणी नवमी तिथि को, चैत्र शुक्ल नवमी को हो ही नहीं सकता, इसलिए पुष्य नक्षत्र में असंभव है, पुनर्वसु नक्षत्र में। भगवान वाल्मीकि खुद लिखते हैं कि रामचंद्र जी जिस समय पैदा हुए बालकांड में अध्याय मुझे याद नहीं भैया वो क्या कहते हैं कि चैत्र नवमिके तिथौ नक्षत्र अतिथि दैवस्य, जिस उस नक्षत्र में भगवान राम पैदा हुए जिस नक्षत्र के अधिपति देवता अदिति है, नक्षत्र अदिति दैवस्य चैत्र नवमिके तिथौ, चैत्र की नवमी को भगवान राम पैदा हुए, इसका मतलब पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए थे। तो वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं वाल्मीकि जी, ये आजकल के लोग उस बात को गलत समझ रहे कि नहीं पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए थे। और फिर क्या कहते हैं कर्क लग्न में पैदा हुए थे, पांच ग्रह उच्च के थे, वो खुद बताते हैं। उसके बाद अगले श्लोक में क्या लिखते हैं कि अगले दिन उनके छोटे भाई भरत का जन्म हुआ, लॉर्ड राम जिस दिन पैदा हुए थे उससे अगले दिन मीन लग्न में भरत का जन्म हुआ और मून उस समय पुष्य में था, यानी पुनर्वसु के अगले दिन जब भरत पैदा हुए तो भरत जो है राम के छोटे भाई वो पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए थे। और उसके बाद श्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और उनमें उनका उनका श्लेषा नक्षत्र में जन्म था। लग्न शायद उन्होंने नहीं बताया तो इस मुझे याद नहीं है लग्न, मून श्लेषा में था, हाँ कर्क लग्न में, सॉरी पक्का कर्क लग्न में थे। यानी रामचंद्र जी के पैदा होने के 24 घंटे बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा रूप में कर्क लग्न में पैदा हुए थे, श्लेषा नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र में भरत और पुनर्वसु में रामचंद्र जी। अब इन गुणों के आधार पर समझ लीजिए भाई क्या क्या इनके अंदर गुण आएंगे। पोलेक्स माने जुड़वा, जुड़वा का मतलब है कि भैया ड्यूअल पर्सनैलिटी, बाइपोलर पर्सनैलिटी की बात नहीं करते पर दो अलग अलग डिफरेंट मतलब बाइपोलर टेंडेंसी जरूर इनके अंदर पाई जा सकती है। इसलिए कभी तो इन्हें अपना पिया बड़ा प्यारा लगता है और कभी कभी अपना पिया बड़ा खराब लगता है। कभी कभी इन्हें अपनी बीवी बहुत अच्छी लगती है, बड़ी भली है वो तो, बड़ी भली लोग कहाँ है, और कभी कभी इनको बड़ी खराब लगती है। इसलिए चेंजेबिलिटी, जहां मौका मिल गया वहां ये चेंज कर डालेंगे, ये इनके साथ समस्या है। एरोगेंस इनके अंदर और टेम्पर सदा हाथ पे रखते, नाक पे रखा होता है। कैरेक्टर और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, उसकी छाप आना आप लोगों के लिए, आम आदमी के लिए मुश्किल है। इसलिए कोई बिरला ही पुनर्वसु नक्षत्र के व्यक्ति को समझ सकता है, उनका व्यक्तित्व, वो कब क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चेंजेबिलिटी इन प्रेफरेंसेस ये इनके अंदर रहती है, इजी हैप्पी गो लाइफ होती है, हर जगह पर जिस पोजिशन में वहीं पर खुश रह जाते हैं। और ब्रीच ऑफ सोशल ट्रेडिशंस, जो सामाजिक परंपराएं होती है, जो सामाजिक कल्चर होता है उसके खिलाफ जैसे है, उसका पूरी तरीके से पालन नहीं करते, यानी ये एक कदम आगे बढ़ करके थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंडेड होते हैं।
इसलिए शबरी के भेद झूठे वेद भी खा लिए थे भाई, और केवट से अपने पैर भी धुलवा लिए थे, केवट को गले भी लगा लिया था, और दूसरी जाति के वृक्ष और बांदरों को इकट्ठा करके सेना भी बनाए थे। सब गुण इनके अंदर मिलेंगे, सेल्फ लेस होते हैं और इनकी डिजायर आमतौर पर अंडर कंट्रोल रहती है, लेकिन इंटरनली इनको सर्वोच्च पद प्राप्त करने की कामना जरूर रहती है। डिस्टर्ब फैमिली लाइफ ये रहती है इनकी भाई, और जिंदगी में एक बार दोबारा जरूर इनका पुनर्वास होता है, रीस्टेब्लिशमेंट होता है करियर वगैरह में कहीं भी, और फाइनेंशियल पोजिशन इनकी एवर स्विंगिंग, झूले की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसी चलती रहती है। और ये सब नोटिसेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर हो सकती है उनको आप देखिए और समझिए। पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए। अब पुष्य नक्षत्र, इस पुष्य नक्षत्र में भैया बहुत बकेड़ा खड़ा कर रखा है भैया। जब आप लोगों का टाइम खत्म हो जाए या बोर हो जाओ तो बता देना मुझे, मैं थकने वाला आदमी नहीं हूँ, अभी तो पुष्य पर ही पहुंचे हैं। अश्लेषा तक करते हैं आज, क्योंकि आप थक जाएंगे और मैं चाहता नहीं हूँ कि आपकी आवाज कम हो सर। We will continue after अश्लेषा next time सर। आप मेरे थकने की चिंता मत करिए सर, आपका गला सूख रहा है सर। अपने टाइम की चिंता करिए, कहाँ से करना है मुझे बताइए। अश्लेषा कर लीजिए, अश्लेषा कर लीजिए सर, अश्लेषा तक। अश्लेषा हाँ हाँ, ये काउंट पूरा हो जाएगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्यों अश्लेषा पर अटके हुए हैं। पुनर्वसु तो पहुंच ही गए हैं, अब तो पुष्य पहुंच ही गए हैं, बचा क्या है उसमें अश्लेषा में। तो ये सब पब्लिकली मत बोलिए, आप रहने दीजिए कृपा करके। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मुझे बोलना आता कहाँ है भाई। सर 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 सर, मैं कुछ नहीं बोलता। राइट सर, राइट सर, राइट। तो पुष्य नक्षत्र, पुष्य का लिटरल मीनिंग होता है नरिशमेंट, चीयरफुल एक्टिविटीज। इसका जो जंक्शन स्टार है वो डेल्टा कैंसर ही भैया एक्लिप्टिक के बहुत क्लोज है, यानी 0.8 डिग्री दूर है, बिल्कुल एक्लिप्टिक पर है। इसको ध्यान से समझिए, मैं क्यों चीज डिटेल में बता रहा हूं। ये लोकेशन सजेस्ट करती है कि चंद्रमा या कोई भी ग्रह जब एक्लिप्टिक के पास, यानी कम से कम क्षण वाला होगा, बहुत कम क्षण वाला होगा, लेटिट्यूड वाला होगा, उस समय पुष्य नक्षत्र का आलिंगन किए बिना आगे बढ़ नहीं सकता, और कोई एरिया ही नहीं है। वो एरिया इतना संग हो गया है, वहां पर गली रोड इतनी संकरी हो गई है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टच किए बिना जा नहीं सकती। कोई ग्रह ऐसा है ही नहीं जो पुष्य नक्षत्र से बच के चला जाए। ये तो इसकी पोजिशन ने बनाई बात। इसका जो लेटिट्यूड है, अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका लैटिट्यूड, इसके रूलिंग डाइसी बता दिए बृहस्पति, प्लैनेटरी डाइसी। यहाँ कुछ लोग डाउट कर सकते हैं, एकदम दिमाग में उनका शंका मिटा देता हूं। प्लैनेटरी डाइसीज और रूलिंग डाइसीज ये दो अलग एंटिटीज है। प्लैनेटरी डाइसीज आर द विंचोत्री लॉर्ड मियरली, और जो रूलिंग डाइसीज है दो द साइटेड इन द वेदास एंड वैदिक लिटरेचर एज वेल। तो यहां हम We are talking about the ruling deity of Pushya Nakshatra. So, Brihaspati Nakshatra, ये जो ruling deity है, वो Brihaspati है, जो Pushya Nakshatra. तो ये Brihaspati साहब क्या करते हैं कि Brihaspati जब बाहर जाने लगे, 12 साल में एक बार जब आएंगे तो दोबारा पुष्य नक्षत्र में आने के लिए इनको 12 साल लगेंगे। आप लोग जानते हैं कि Brihaspati 12 राशियों में 12 साल खर्च कर देते हैं, इसलिए पुष्य नक्षत्र में दोबारा लौट कर आने में 12 साल बाद मौका मिलेगा। और पुष्य नक्षत्र इतना क्लोजली लोकेटेड है कि उसके अंदर से होकर के गुजरना पड़ता है, उसके घर से ही होकर के रास्ता गुजरता है। इसलिए लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि पुष्य तारा बृहस्पति की पत्नी है। अब बृहस्पति जी जब 12 साल के लिए वनवास पर या अपनी यात्रा पर जा रहे थे तो पीछे गुरु माता का ध्यान कौन रखे, इसके लिए उन्होंने सोचा कि भैया सबसे नजदीक चंद्रमा ही है और इस चंद्रमा को पकड़ लो। चंद्रमा फ्रीक्वेंटली आ भी सकता है पुष्य नक्षत्र में, कम से कम महीने में एक चक्कर तो पट्टा लगाएगा ही लगाएगा, इसकी मजबूरी है। ये तो रोज अपने काम के सिलसिले में पुष्य नक्षत्र में आता है हर महीने, बाकी और ग्रह बहुत देर में आएंगे, इसलिए वो चंद्रमा को सौंप के चले गए जिम्मेवारी के, बेटा हमारी एब्सेंस में हमारी गुरु माता का ख्याल रखना, अपनी गुरु माता का ख्याल रखना।
जैसे ये केदार जी गुरु जी बहुत सारे लोगों को कह दिया करते थे भैया आज हमारे लिए खिचड़ी भेज देना, आज मैं रात को यहाँ रुकूंगा वहां रुकूंगा, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बातें होती। तो वैसे ही गुरु जी कह के चले गए। अब कह के चले गए, अब पुष्य नक्षत्र का शर और पुष्य नक्षत्र का आभोग और एरिया और चंद्रमा का शर इतना खतरनाक है कि चंद्रमा बहुत लंबे समय तक एक तो फ्रीक्वेंट विजिट्स मंथली विजिट्स, दूसरे भैया क्लोज सर्च करके जाना, ऐसा लग रहा था जैसे किसी कस्बे की सड़क पे किसी और की बीवी को साथ रिक्शा में बैठा करके आदमी चला जा रहा हो, तो बस होशों से निकली बात तो बढ़िया बसंग बन गया। जब 12 साल बाद बृहस्पति जी आए, उसी 12 साल के दौरान एक स्थिति ऐसी भी आई जो आ सकती है एस्ट्रोनॉमिकली कि बुध ने भी वहां पर कंजंक्शन किया विद द पुष्य तारा, और जैसे ही बुध ने उसके साथ कंजंक्शन किया और बुध कंजंक्शन के बाद निकल गया क्योंकि बुध तो तेज चलता है, तो लोगों ने समझा कि चंद्रमा ही इसके घर आसा जासा है, इसका पति तो घर में है नहीं। जैसे आन मिलो सजना में राजेश खन्ना बेचारा फंस जाता है विनोद खन्ना सुजीत कुमार की बीवी के चक्कर में, तो वैसे ही भैया ये फंस गए। और बुध पैदा हो गया, बुध पैदा हो गया, बृहस्पति पति देव घर में नहीं है और हर रोज इस घर में आना जाना है चंद्रमा का जवान सुंदर लड़के का। लो कल्लो बात हो गया कल्याण, बस लोगों ने बसंगड़ बना दिया, ये कहानी बन गई उपनिषदों की कहानी कि भाई चंद्रमा का बेटा है, चंद्रमा का अवैध बेटा है बुध जो बृहस्पति की पत्नी सारा से पैदा हुआ था। ये एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट को आम बच्चों को समझाने के 100 तरीके से जिस तरीके से बात बताया, ये ऐसा क्यों होता है इसको समझिए ध्यान से। जुपिटर जो देवगुरु है वो तो ये तो हाँ अच्छा इस बात में बता चुका, तो ये फ्रीक्वेंट विजिट्स की वजह से हुआ। तो जब जब पुष्य नक्षत्र जो 12 साल का चले उठा उसमें बुध का भी वो हो गया, उसकी वजह क्या है? क्योंकि बुध का जो शर है, बुध का शर 0 से लेकर के 7 डिग्री तक रह सकता है और बृहस्पति का शर 1 ही डिग्री रहता है, 1 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। इसीलिए ये क्या स्थिति हुई कि ये 1 डिग्री कम है तो बृहस्पति बिल्कुल क्लोज पुष्य नक्षत्र से गुजर करके जाता था, इसलिए बृहस्पति को पत्नी सारा मार ली गई। अब समस्या आई कि जो गड़बड़ हो गई, बार शोर मचाने लगे, एनजीओ वाले आ गए, वुमेन सेल वाले आ गए, अलाने आ गए, फलाने आ गए कि ये तो बड़ी गड़बड़ चल रही है, ये तो शरीफों का माहौल है, यहाँ पर इस तरीके के लोग रहते हैं, भैया सारी देवी देवता वहां आके इकट्ठे हो गए। ब्रह्मा जी को बेचारे को आके फैसला करना पड़ा, उससे पहले सूर्य देवता आ गए थे झगड़े में, उसके बाद विष्णु जी पहुंच गए, उसके बाद बृहस्पति जी आ गए, सबने मिलकर के तय कर दिया कि भैया ये तो लड़का बड़ा प्यारा है, बुद्धिमान है, इसके अंदर तो बृहस्पति के ही गुण है, ये तो विष्णु के समान तेजस्वी है, ये तो सुंदर है, ये तो बिल्कुल दिखने में बड़ा इनोसेंट दिखाई पड़ रहा है, इतना प्यारा बच्चा यार, ये इतना इसको नाजायज घोषित मत करो भले आदमी। तो यजुर्वेद ने क्या काम किया, यजुर्वेद ने कहा सोमस्य कृषिरसि त्वमेव मे कृषिर भूयात्, तुम सोम के समान तेजस्वी हो, तुम आदित्यान विष्णु सूर्यम ब्रह्मांडम च बृहस्पतिम, आदित्यों के समान तेजस्वी हो, विष्णु के समान तेजस्वी हो, ब्रह्मा जी और बृहस्पति के समान हो अपने गुणों में, इसलिए हम तुम्हारा नाम सौम्य रखते हैं। सौम्य, सौम्य का मतलब जेंटल लुक, जेंटल लुकिंग, ये हुआ उसका मीनिंग, उसका मीनिंग सोम का बच्चा नहीं हुआ, तो चंद्रमा का बच्चा भी मान लिया गया, भाई ठीक है ये चंद्रमा का ही बच्चा है, ये विष्णु जी का ही बच्चा है, सूर्य का ही बच्चा है, बृहस्पति का ही बच्चा है, तो सबका बच्चा है, तो जगत बच्चा है, इसलिए बुध सारे देवताओं के साथ सारे ग्रहों के साथ जिसके साथ जाता है उसको एक गुण दे दिया गया कि जिसके साथ जाओगे बेटा उसी के जैसे हो जाएंगे, तो भैया उसके तो जगत पिता भाव है। ये कहानी इसके पीछे थी जिसका बवंडर बना लिया। विष्णु पुराण में भी ये बात है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने खुद इनका नाम रखा था इसकी ब्यूटी को देख करके, कि ये तो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने ठीक है तुम आदित्यों की तरह 12 आदित्यों में से एक हो और तुम्हारे मैं इस समय जो है मैं खुद देख रहा हूँ तुम्हारे जो बर्थ राइट्स हैं, तुम्हारे जो जात कर्म संस्कार हैं मेरे सामने हो रहे हैं और मैं आज तेरा नामकरण करता हूँ बुध, बुध। ये नामकरण विष्णु पुराण में एक कहा गया है। अब इस स्थिति में क्या होगा बुध का भाई, एक तो इनको ये सदा फीलिंग रहेगी कि मैं किसका बेटा हूं, असली बाप या ज्यादा बाप में किसको मानूं, इनसिक्योरिटी
सोशल इनसिक्योरिटी इनके दिमाग में रहती है, इमोशनली वीक होते हैं, बच्चा है ना, अकल का कच्चा है, दिल बदतमीज होता है इसका, थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा सेल्फिश होता है। छोटा बच्चा अपने खिलौने किसी के साथ शेयर नहीं करता, छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा दादा दादी को किसी के साथ शेयर नहीं करता, अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करता। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझ आ जाती है, सब वो ये बात अच्छा बुरा समझता है, सेंसफुल भी होता है, लेकिन इंटेलिजेंट है, ये गुण हम पहले बता चुके, हेल्दी वेल्दी है, ये हम पहले बता चुके। और दूसरों की रेस्पेक्ट करना बुद्ध के अंदर गुण है, सुपीरियरिटी इन माइंड, और कुछ बैड नेचर लोगों के साथ इसका संबंध हो जाता है, क्योंकि इसको कोई भी बहका लेता है, ये भूला है ना दूसरों के मन की बात को, दूसरों की चालाकी को समझ नहीं पाता, इसलिए जैसा होता है वैसे ही होता है, तो अपॉर्चुनिस्ट सा कहने लगते हैं लोग इनको, इसीलिए इनको कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। तो जैसे इनकी ग्रोइंग एज होती है, एज ग्रो करती है, जैसे ये ग्रो करते हैं उसी तरीके से इनकी डिस्क्रिमिनेटिंग कैपेबिलिटी भी ग्रो होती रहती है। ये हुआ भैया इनका, इसलिए बेचारे निर्णय नहीं कर पाते। अब फिल्म एक्टर संजीव कुमार भाई इसी पुष्य इसमें क्या कहते हैं, इसी पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए थे, और पुष्य नक्षत्र की विशेषता हम पहले बता चुके हैं या शायद नहीं बताई। जहां जब लग्न में पुष्य नक्षत्र होता है तो ऐसा बच्चा अपने माँ बाप से दूर रहता है, किसी भी वजह से, चाहे अच्छे बातों के कारण या किसी बुरी बात के कारण। और ये स्थिति होती है कि जब इनके उसके माता पिता का देहांत होता है, उस समय में भी वो वहां उपस्थित नहीं रह पाता, ये इनके अंदर कमी रह जाती है पुष्य नक्षत्र वालों। तो ये दिक्कतें आती हैं लग्न में पुष्य हो और चंद्रमा पुष्य में हो, तो ये सब गुण बताई चुके, ये सब गुण उनके अंदर रहेंगे। अब भैया जैसे जो ऊपर से हुक्म मिला था, अब श्लेषा नक्षत्र पर आ जाते हैं। इस श्लेषा नक्षत्र का जो आसमान में आकार दिखाई पड़ता है, वो कुंडली मारे हुए सांप की तरह दिखाई पड़ता है। सारों का सीक्वेंस कुछ इस तरीके का है जो ऐसा लगता है जैसे कॉयल नहीं होती हमारी, है ये मॉस्किटो रिपेलेंट, क्या कहते हैं इसको यार, ये जो धूप बरसी आती है बहुत धुआं करती है, कछुआ छाप वगैरह, तो बिल्कुल इसके शेप का दिखाई पड़ता है वो तारे आसमान में श्लेषा नक्षत्र में। इसलिए कल्पना कर ली कि ये नाग इसके देवता है, सर्प इसके देवता है, कोयल सरपेंट, तो कोयल सरपेंट की तरह दिखाई पड़ता है। इसमें पांच प्रोमिनेंट स्टार है, इनमें जो एप्साइलोन हाइड्रा है, एप्साइलोन और बीटा क्या है भैया, ये ग्रीक अल्फाबेट्स है, आजकल साइंटिस्ट ने जो रिकॉग्नाइज किया है 88 नक्षत्र मंडलों को आसमान में, प्रोमिनेंट 88 नक्षत्र मंडल है, कॉन्स्टेलेशन है, उनमें से 28 या 27 हमारे नक्षत्र हैं जो ज्योतिष के नक्षत्र हैं, जो इक्लिप्टिक के आसपास होते हैं, बाकी दूर दूर है, उनसे हमारा ज्योतिषियों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जानकारी के उनकी उनकी उनका ज्ञान होना अच्छा है। तो एप्साइलोन हाइड्रा, ये एप्साइलोन हाइड्रा इसका जंक्शन स्टार है और लगभग 11 डिग्री साउथ में है इससे। तो ये फिनोमिना क्या होता है कि जब भी ट्रांजिट करता है सन श्लेषा में से, तो भाई श्लेषा नक्षत्र में ऐसा लगता है कि ये क्या कहते हैं, ये कंजंक्शन है इसका, इसके साथ बहुत कम लोगों का होता है, बहुत कम ग्रहों का होता है, क्योंकि 11 डिग्री तक का लेटिट्यूड तो किसी का है ही नहीं, मैक्सिमम 5 है चंद्रमा का, और उसके बाद ऊपर है 7, लेकिन वो 7 भी वेरी करता है, वो कभी 5 से ही लौट जाता है, कभी 7 तक पहुंच जाता है कभी कभार, तो 0 से 7 तक तो बुध का है, और इसका है 0 से 5 तक, 5 डिग्री 10 मिनट चंद्रमा का, तो 11 डिग्री तक कौन पहुंचेगा। तो इसके साथ कंजंक्शन होना ही मुश्किल है, श्लेषा नक्षत्र के साथ किसी ग्रह की गंभीर युति हो, गूढ़ युति हो, डीप कंजंक्शन हो, ये संभव नहीं है। उसकी वजह क्या, ये बहुत कम ऐसा होता है कि भाई कभी इसकी ग्रहग्राम युति हो जाए। तो ये एप्साइलोन हाइड्रा ये जो है बहुत कम नक्षत्रों से, बहुत कम ग्रहों के द्वारा डीप युति में जाता है। जंक्शन स्टार जो श्लेषा का है ये येलो दिखता है, और ये भी एक जायंट स्टार है, 67 गुना बड़ा है, 67 गुना चमकीला है हमारे सूर्य से,
ये 67 गुना ऐसे ही बता रहा हूँ, इससे अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को कि तारे हमारे ग्रहों से कितने करोड़ लाखों किलोमीटर ऊपर है, दूर है। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न हमने बताया था जिसमें शेषा नक्षत्र में पैदा हुए, तो इनको देखेंगे यदि। हाँ, एक और मजेदार बात है, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ये दोनों भी श्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी का श्लेषा का मून था और पंडित नेहरू का श्लेषा का लग्न में नक्षत्र था। इसको सुन करके बहुत सारे आदमी बहुत अधिक प्रसन्न भी हो सकते हैं, क्योंकि ये राजयोग का कारण बनता है। तो लग्न में श्लेषा नक्षत्र उसके नेहरू के था, और महात्मा गांधी जी के चंद्रमा का चंद्रमा श्लेषा नक्षत्र में था। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग क्या होते हैं, डिटरमाइंड। नाग है भाई, जब तक आप छेड़ोगे नहीं, नाग से आदमी डरता है, आदमी से नाग डरता है, ऐसा नागों के जानकार बताते हैं। मेरा तो खैर वास्ता डायरेक्ट कई बार नागों से पढ़ चुका है, सचमुच के नागों से, भाई मजाक लक्षणा में नहीं बोल रहा हूं। तो ये अपने ओपिनियन से, एक बार जो ओपिनियन अपने दिमाग में किसी के बारे में बना लेते हैं, उसको अपने फेवर में चेंज करने के लिए ये एडिटोर का जोर, साम, नाम, दंड, सब भेद, सब नीतियां अपना सके, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर मिसअंडरस्टूड बाय अदर्स, बाय देयर कंपेनियंस या फ्रेंड्स या इन द कम्युनिटी। तो इमोशनल होते हैं अंदर से, बहुत गुड फाइटर हैं, लीडर भी होते हैं, डिप्लोमेटिक भी होते हैं, लेकिन बाय नेचर बेचारे टेंडर होते हैं भाई, मेंटली एक्टिव। और जो इंक्यूसिटिव जो इनके अंदर अप्रोच होती है वो बड़ी जबरदस्त है। तो फिलोसॉफिकल या लिटरेरी चीजों में इनका इंटरेस्ट रहता है, इंटेलिजेंट होते हैं, बस इनके व्यवहार में और इनके पसंद और नापसंद में स्लाइट इम्बेलेंस देखा जाता है। किसी चीज को पसंद करेंगे तो हद तक पसंद करेंगे, किसी चीज को रिजेक्ट करेंगे तो हद से एकदम तोड़ के फेंक देंगे, यानी लाग बिना लाग लपेट के तोड़ फेंकेंगे। इसलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, इन लोगों से जरा बच के रहना भाई। तो ये हो गया भैया श्लेषा। श्लेषा के बाद मघा। मघा का मतलब है कि इनमें रिचेस और वेल्थ इनहेरेंट रहती है, तो इन लोगों में गुण आते हैं धन के, वेल्थ के। तो निरुक्तकार क्या कहता है कि मघम इति धन नाम धेयम, मघ का मतलब ही धन होता है। महसे दान कर्मणा, इतना महान धन राशि, इतना इतना ग्रेटर फाइन, इतना लार्ज फाइनेंस, इतना लार्ज वेल्थ कि लोगों को दान भी किया जा सके, इसका मतलब है। मग का मतलब है रिचेस, रईसी। ऋग्वेद भी कैसा है कि भाई वेल्थ, और मघा राय, ऋग्वेद में क्या कहा, मघा राय ईशे वसुनाम। मघा कौन है, राय। राय संस्कृत में कहते हैं रईसी को। और भैया ईशे वसुनाम, ईशे माने ये रूलिंग डाइटी है, वसुनाम माने धना नाम, ये धन के अधिपति देवता है, वस्तु धन के देवता है। तो मघा में धन तो अपने आप ही आ गया। इसका जो प्रिंसिपल स्टार है वो रेगुलस, भाई उसको आजकल लियोनिस कहने लगे, सिंह राशि में पढ़ने की वजह से लियोनिस कैसे। तो ये जो लियोनिस है, ये भाई हमसे 79 लाइट ईयर्स दूर है, नहीं हमसे नहीं, सूर्य से 79 ईयर्स लाइट दूर है, और सन हमसे 8 लाइट ईयर दूर है। तो ऐसे केस में और ज्यादा इसकी गणना कर लो। ये जो स्टार है ये पेयर्ड स्टार है, और इसके साथ 5 और डिम स्टार्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो रिजेम्बलेंस है अपने पितरों की, अपने पूर्वजों के गुणों की, वो इसकी एक्टिविटीज में, डे टू डे रूटीन में, व्यवहार में, फेस में, काम धंधे में कहीं ना कहीं झलकेगी। यही वो लोग होते हैं
जिनके बारे में देख करके कहा गया कि अमीर आदमी गरीब हो जाए तो 7 पीढ़ी तक अमीरी की बू नहीं जाती और गरीब आदमी अमीर हो जाए तो 7 पीढ़ी तक गरीबी की आदतें नहीं जाती। तो वही आदतें भैया इनके अंदर पाई जाती है। ये कभी कभी चंद्रमा के साथ नहीं, चंद्रमा के साथ अक्सर और ग्रहों के साथ कम ये जो है वो होता है, कंजंक्ट होता है। वजह क्या है? क्योंकि ये 0.28 डिग्री, 0.28 डिग्री मतलब आधी डिग्री से भी कम दूर है इक्लिप्टिक से। तो जितने नक्षत्र इक्लिप्टिक के पास हैं वो सारे के सारे नक्षत्र ऐसे हैं कि जो ग्रहों से जल्दी जल्दी कंजंक्ट हो सकते हैं। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि मून तो इनको रेगुलरली कर सकता है, लेकिन अभी बुध और शुक्र अभी इस स्थिति में हजारों साल तक यही स्थिति रहेगी कि बुध और शुक्र ही केवल इसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसको टच करके, इसको पियर्स करके निकल सकते हैं आगे। तो क्या होगा मरकरी वीनस में? ये ओकेजन्स पर करते हैं, एस ओकेजन्स, नॉट रेगुलर। लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो ये है कि ये कंजंक्ट हुआ था वीनस के साथ 1959 में, जुलाई में किसी तारीख को, मुझे याद नहीं है। और ये दोबारा से रिपीट होगी यही कंजंक्शन इनके वीनस के साथ 2044 में, 2044 में, और शायद अक्टूबर का महीना होगा। तो इस तरीके से इसको मघा की विशेषता क्या है कि सर्दी की रात में, लेट नाइट में, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद आप आसमान में और वसंत ऋतु तक बड़े आराम से बड़े मजे में देख सकते हो। इसका जो आकार है वो शेर की पूंछ की तरह दिखाई पड़ता है मघा का, सॉरी शेर की पूंछ की तरह नहीं, हो तो सिंह का आकार हो गया। मघा का आकार तोरण की तरह दिखाई पड़ता है, जैसे प्रवेश द्वार होता है ग्रहों, वो किसी बड़े घर का या किले का या किसी बड़ी बिल्डिंग का प्रवेश द्वार, शादी के मंडप में जैसे एंट्री गेट बनाते हैं उस तरीके का सजीला दरवाजा, ये इनका होता है। तो अब ये पितर क्या है ये भी साथ साथ बता देते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा भ्रम है और आजकल पितृदोष, पितृदोष के नाम से बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत सारे जो है बदमाशियां चल रही हैं हिंदुस्तान में। वेद क्या कहता है कि देयर आर टू एंटिटीज, देव एंड पितर। पितर आर फर्दर डिवाइडेड टू लोअर कैटेगरी, देव पितर एंड मनुष्य पितर। जो देव पितर हैं, देव पितर वो हैं जो डिवाइन पितर हैं, और मनुष्य पितर वो हैं जो हमारे एंसेस्टर्स हैं। वो हमारे एंसेस्टर्स कौन थे? वो 7 ऋषि जो सप्त ऋषि माने गए हैं, 7 ऋषि तो हो गए, 10 ब्रह्मा के पुत्र हैं, वही हमारे माता पिता हैं, उन्हीं से हम पैदा हुए हैं। सब लोग दुनिया में आगे तक पैदा होते रहे, उनसे हमारी चेन चली है प्रजा की। इसलिए प्रजापति के जो 10 बेटे थे, ब्रह्मा के 10 बेटे, सप्त ऋषि, कुतुबुलाश्री, ये सब इत्यादि, और दक्ष खुद और नारद और मरीचि, ये मिलाकर के 10 ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ये ऋषि मतलब मनुष्य पितर हैं। तो और जो देव पितर हैं, देव पितर स्वयं वही हैं जो स्काई में घूमते हैं, नाइट स्काई में विजिबल होते हैं। देव पितर का मतलब है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब देव पितर हैं। तो देव पितर पितृदोष का मतलब है किसी का ग्रह पीड़ित है, सूर्य आदि को ग्रह पीड़ित, पितृदोष का अपने आप भी देव दोष पितृदोष है। और एंसेस्टर्स की गलत बदमाशियां अपने अंदर ढाल लेना, अपनी अंदर इनहेरिट कर लेना, ये पितृदोष है कि अपने एंसेस्टर की गलतियों को तुमने सुधारा नहीं, तुम मक्खी में मक्खी मारते हुए चले जा रहे हो, तो दोष हो गया। इसलिए ऐसे लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या इनके अंदर ट्रेट्स हो सकते हैं? एक तो रॉयल लुक होता है इनके अंदर, इनको बड़प्पन की, रईसी की आदत होती है। ये बेचारे चाहे फटे हाल हो लेकिन स्टाइल इनका इम्पाला वाला ही होता है। दूसरे फिर टफ और सॉफ्ट एक साथ होंगे, ड्यूअलिटी रहेगी सब जगह, जहां दो दो सारे हुए ड्यूअलिटी जरूर पाई जाएगी। तो भाई सॉफ्ट एंड हार्ड है, सॉफ्ट और भैया टफ भी है साथ में, ये ब्लेंड हो गया, ब्लेंडिंग होगी इनके अंदर। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पूर्वजों के इनके अंदर कोई ना कोई पाया जाता है। कभी इनका चेहरा मोहरा अपनी माँ से, पिताजी से मिलता है, कभी नाना नानी से मिलता है, कभी इनकी नाक मिलती है, कभी आंख मिलती है, कभी चलने का ढंग मिलता है, कभी बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने का ढंग मिलता है, कोई ना कोई ढंग मिलेगा ही मिलेगा। कभी खर्च करने की आदत मिलती है, कभी मूछ रखने का शौक होता है जो और घरों लोग दूसरे फैमिली मेंबर्स में नहीं होता, लेकिन दादा को था इसलिए इस पोते को हो गया। ये कोई ना कोई गुण इनको इनके अंदर आपको पाया जाएगा। कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं भाई, अपने से बड़ों का अच्छा रिकॉर्ड करते हैं,
लीगेसी को संभाल के रखते हैं और वेरियस फील्ड्स में इनका इंटरेस्ट होता है। और आम तौर पर जब तक इनको छेड़ा ना जाए, अच्छे रॉयल राजकीय आदमी की तरह ये रॉयल टंग होते हैं, सॉफ्ट टंग होते हैं कल, और एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं अपने बारे में, अपनी रिस्पेक्ट और ऑनर के बारे में, कहीं हमारी कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमें नीचा देखना पड़े, इसके बारे में बड़े सावधान रहते हैं। तो इस तरीके से भाई इनके अंदर ये गुण आते हैं और इन गुणों से अपने इथिकल बिहेवियर से, अपने कंट्रोल बिहेवियर से ये आमतौर पर ये कभी कभी बहुत मान्यता प्राप्त, बहुत रेनाउंड हो जाते हैं। इनको लोग बड़े आदर की दृष्टि से या सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इनके ऊपर लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। लेकिन यदि आप मघा नक्षत्र में पैदा होकर के बीटन ट्रैक पर चलते रहे, यदि आप इनको छेड़ते रहे बार बार, तो भाई ये सब कॉन्ट्ररी इफेक्ट बदल जाएगा, ये सब इफेक्ट कॉन्ट्रेटली टर्न हो जाएंगे और सब नेगेटिव भी हो जाएगा। इसलिए ऐसे नक्षत्रों को जहाँ ये ड्यूअलिटी है, जहाँ इस तरीके से रिस्क ऑननेस है, उन्हीं उन्हीं नक्षत्रों को उन्होंने इस तरीके से रिस्की और फायरी बताया। इस प्रकार से मघा नक्षत्र तक 10 नक्षत्र हैं और यहीं से पहुंच गए हैं, मेष के शुरुआत से शुरू करके, मेषादि बिंदु से शुरू करके सिंहादि बिंदु पर आ गए हैं। फिर कभी मौका मिला, कभी मौका हुआ, कभी हमें किसी ने आदेश दिया, कभी किसी ने हमें बोलने का मौका दिया, तो भैया आगे बता देंगे। इसी सिद्धम इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को लगाम देते हैं, सॉरी विराम देते हैं।